तो दोस्तों आज है फरवरी 6, आज है फिन निफ्टी की वीकली एक्सपायरी और मैं आज एक फिन निफ्टी में ट्रेड लेने वाला हूँ। वैसे तो मैं फिन निफ्टी में ट्रेड नहीं करता हूँ, निफ्टी 50 में करता हूँ, लेकिन आज मैं फिन निफ्टी में ट्रेड कर रहा हूँ क्योंकि काफी देर से मार्केट सस्टेन कर रहा था। मैं यहाँ पे एक ही लॉट से ट्रेड करूंगा और यहाँ पे जो मेरा कैपिटल लगने वाला है वो लगभग 300 रुपए के समथिंग लगने वाला है और यहाँ पे मैं स्ट्राइक प्राइस को 7 रुपए में परचेज करने वाला हूँ। तो जैसे ही मार्केट मेरे 7 रुपए के लेवल पे आया मैंने यहाँ पे अपना ट्रेड पंचअप कर दिया एंड यहाँ पे मुझे देखते ही देखते 15 से 20 रुपए, 25 रुपए, 30 रुपए का प्रॉफिट देखने को मिल गया और यहाँ पे मैं 7 रुपए का मैंने ट्रेड लिया है तो मेरा यहाँ पे SL 0 रहेगा, या तो इस ट्रेड में मेरा पैसा 0 हो जाएगा या फिर मैं इसे 14 या 15 रुपए पे एग्जिट कर जाऊंगा। अब देखते हैं आगे मार्केट में क्या होता है। तो इस ट्रेड में मुझे 200 से 250 तक का प्रॉफिट देखने को मिला है एंड यहाँ पे मार्केट अभी 12-13 रुपए पे है। अगर यहाँ पे मार्केट 14-15 रुपए पे जा रही है तो मैं इसे 14-15 रुपए पे बेच दूंगा। वैसे भी मेरा कैपिटल ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा, मैंने 7 रुपए पे खरीदा था, 14-15 रुपए पे बेच दूंगा। तो मार्केट अभी हमारे लेवल पे आ गई है तो मैं यहाँ पे अपनी पोजिशन को क्लोज कर दूंगा। मेरा कैपिटल है वो ऑलमोस्ट डबल हो चुका है और इस ट्रेड में मैंने 280 रुपए लगाकर 292 रुपए का प्रॉफिट किया है, मतलब मेरा कैपिटल डबल हो गया है।